Hello everyone, welcome to our channel. As we completed in last session order 5, today we will continue with order 6. Order 6 talks about pleadings. And pleadings mein aapke aaj hum cover karne wale hain rule 1 to 6. In total we have rule 17, but aaj hum karenge 1 to 6 and the rest we will do in next session. So order 6 pleadings of civil procedure code hame kya kehta hai that What do you understand by pleading? सबसे पहले हमें ये समझना है What are the different rules of pleadings? We will do it later. So, pleadings shall mean plaint or written statement. कोई plaint, plaint क्या होती है जब plaintiff अपनी plaint किसी document पे लिख के देता है plaint या फिर written statement. उसको हम collaborate करके क्या बोलते हैं pleadings. So Any plaint or written statement will be considered a pleading. अब मानने की बात क्या है बच्चे? There is not only plaint and written statement that can be so many. There can be so many other things which will be considered to be pleading. देखिए, plaint और written statement तो है ही है. इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो pleadings में include होती हैं. They are replication. ये आपको कोई नहीं बताएगा. So ध्यान से सुनिए. Replication क्या होती है? In reply to the written statement के reply में plaintiff files a replication and that is called as pleadings. ठीक है? After replication, defendant talk and file a rejoinder as a reply to the replication. देखिए, plaint किसने दी सबसे पहले? Plaintiff ने. फिर written statement किसने दी? Defendant ने. फिर से replication किसने दी? Plaintiff ने. अब उस रेप्लीकेशन के रिप्लाई में क्या दिया जाएगा? रीज्वाइंडर. रीज्वाइंडर के कौन देगा? डिफेंडेंट. सो रीज्वाइंडर एज अ रिप्लाई टू द रेप्लीकेशन. सो ओरिजिनल प्लेंट जो होती है वो प्लीडिंग होती है. रिटन स्टेटमेंट भी प्लीडिंग होती है. रेप्लीकेशन इन रिप्लाई टू द रिटन स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ प्लीडिंग. एट एंड टाइम्स डिफेंडेंट फाइल्स एन एडिशनल रिटन स्टेटमेंट. जो रीज्वाइंडर हम जिसको बोल देते हैं दैट इज ऑल्सो अ प्लीडिंग. ठीक है? देन डिफेंडेंट में ऑल्सो फाइल अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन भी डालते हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आगे. सेट ऑफ या काउंटर क्लेम दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्लीडिंग. इन रिप्लाई टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो ये डिफेंडेंट ने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दिया है इसके रिप्लाई में इन रिप्लाई टू दिस बाय प्लेंटिव फाइल हिज रिटन स्टेटमेंट फिर से दैट विल ऑल्सो बी अ प्लीडिंग. एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जो डाली जाती है अगर आप अमेंडमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो एप्लीकेशन भी क्या कहलाई जाएगी? प्लीडिंग. सो ऑल दीज आर प्लीडिंग्स. प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लीकेशन, रीज्वाइंडर, एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और दिस सेट ऑफ एंड एप्लीकेशन टू द अमेंडमेंट ऑल आर प्लीडिंग्स. ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा. सो प्लीज़ पे योर अटेंशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू राइट नाउ. नाउ कम टू द रूल्स. प्लीडिंग्स आपको समझ में आई? अब रूल से हम स्टार्ट होते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स. हमारा रूल वन क्या कहता है? ऑर्डर 6 रूल 1 दैट द बेसिक रूल इज दैट योर प्लीडिंग इज शुड बी कंसाइज एंड इट शुड बी टू द पॉइंट. वट एवर यू हैव बीन प्लीडिंग इन द प्लेंट वो कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए. पॉइंट टू पॉइंट आपने बात की हुई हो. ठीक है? स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू द कोर्ट हैज सेटल द इशूज. उसी के बेसिस पे जो आप लिखेंगे कोर्ट इशूज सेटल करेगी. सो वट एवर द डिफेंडेंट राइट्स इन हिज रिटन स्टेटमेंट एंड वट एवर कोर्ट विल सी वेर देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट विल फ्रेम द इशूज. वहीं पर इशूज फ्रेम किए जाते हैं अगर कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्लीडिंग्स को फ्रेम करना पड़ेगा. प्लेंटिव को भी प्लेंट बहुत पॉइंट टू पॉइंट एंड इन कंसाइज फॉर्म देनी है. सेम डिफेंडेंट को भी रिटन फॉर्म उसी में ही देनी है. द एंटायर ट्रायल जो होता है वो रिवॉल्व्स अराउंड द इशूज. सो कॉन्ट्राडिक्शन से ही पता लगेगा कि इशूज क्या है. देयरफॉर इफ योर प्लीडिंग्स आर नॉट प्रॉपर द कोर्ट विल नॉट बी एबल टू फ्रेम द प्रॉपर इशूज. प्रॉपर इशूज नहीं होंगे तो आपका केस जो होगा वो accordingly नहीं चल पाएगा. Therefore, the very first requirement is that the pleadings should be proper. Proper यहाँ पर क्या माना जाता है? Point to point and in concise form. Unnecessary story writing
देर इज नो नीड टू डू दैट इन योर प्लीडिंग्स. ओके, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा. देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड ए वॉन्ट्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड बी हेयर कमिटेड ब्रीच. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने अपना पार्ट कर दिया या कुछ रहता है तो वो करने के लिए रेडी है, बट बी ने यहाँ पर ब्रीच कर दिया. सो प्लेंटिव हैव एंटर्ड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंडेंट एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द डॉक्यूमेंट. सो आप जब लिखेंगे आपके पॉइंट क्या होंगे, प्लेंटिव हैड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंडेंट टू परचेज हिज हाउस. प्रॉपर्टी जो आपने है वो डिस्क्राइब करनी है इन द डॉक्यूमेंट. कंसिडरेशन आपको बतानी है कि कितनी कंसिडरेशन थी. सपोज पार्ट आपने प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था आपने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया. अब आप उसकी कंसिडरेशन बता रहे हैं, सपोज कीजिए वो 20 लाख है, तो आप 20 लाख जो रुपीज़ हैं वो बताएंगे. डेट परफॉर्मेंस की बताएंगे, कौन सी डेट थी वो, सो एंड सो डेट, सो दैट देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट रिगार्डिंग द सेल ऑफ द हाउस विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द डॉक्यूमेंट एनेक्स्ड विद द प्लेंट. एंड कंसिडरेशन अमाउंट आपने बताई है 20 लाख रुपीज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डेट. लाइक डेट होगी आपकी 1 जनवरी 2022. सो सेकेंड पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस प्लेंटिव टेंडर्ड द परफॉर्मेंस टू विच डिफेंडेंट रिफ्यूज. ठीक है, जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी, जो डेट में दी गई है 1/1/2022, इस दिन प्लेंटिव ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी बट डिफेंडेंट रिफ्यूज एंड ही कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो डिटेल ऑफ दैट विल बी एग्जामिन्ड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल. जो ट्रायल स्टेज होगी, डिटेल्स ऑफ इट, वेदर यू वेंट टू टेंडर द परफॉर्मेंस और नॉट एटसेट्रा, डिटेल्स ऑफ दैट विल बी एग्जामिन्ड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल थ्रू एविडेंसेस चेक किए जाएंगे. राइट, सो प्लीडिंग शुड बी वेरी कंसाइज टू द पॉइंट. पैराग्राफ वाइज होनी चाहिए, नंबर्ड होनी चाहिए, प्लस नो एविडेंशरी फैक्ट्स शुड बी रिटन. आपको कोई एविडेंशरी फैक्ट नहीं लिखना है कि ये उसको पता है उसको पता है, नो नो नीड टू डू दैट. ओके, इफ ऑपोजिट पार्टी डिनाइंग द बर्डन ऑफ देन यू कैन राइट अबाउट इट. अगर ऑपोजिट पार्टी डिनाई कर रही है तब आप राइट कर सकते हैं एविडेंशरी वैल्यूज को, अदरवाइज एविडेंशरी पॉइंट को आपको अवॉइड ही करना चाहिए. ठीक है, इफ यू अटैच एनी डॉक्यूमेंट देन यू कैन मेंशन इट एंड डोंट राइट द डिटेल्स ऑफ दैट एविडेंशरी फैक्ट. जो आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया उसकी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही डॉक्यूमेंट स्पीक्स अबाउट इट्सेल्फ. आप जस्ट ये मेंशन कर दीजिए दैट आई हैव अटैच्ड दिस इन दिस डॉक्यूमेंट. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू वांट टू सपोज वन पार्टी सेज द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज इट वॉज अंडर द मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, सो दिस फैक्ट मस्ट बी मैंशन. आपको वो मैंशन करना है जिस चीज़ पर रियल इशू क्रिएट हो रहा है बच्चे, आपको वो ज़रूर मैंशन करना है. ठीक है, अगर आप वो मेंशन करेंगे लाइक इफ फैक्ट्स मस्ट बी मेंशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इन एक्चुअल एग्रीमेंट में नहीं है, वो आपको सब बातें लिखनी है. फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपीज़ ले रहे हो, 10 लाख रुपीज़ लिखना है. फॉर एग्जांपल डेट है, सो यू हैव टू राइट द डेट्स. ओके, आपको इन वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स जैसे कि डेट ONE 2022, दिस इज 8th of January 2018, ऐसे डेट्स लिखनी है आपको इन वर्ड्स. लाइक ये 20 लाख है तो आपको इसको इन वर्ड लिखना है 20 लाख्स. ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर 1 सेज. नाउ कम टू ऑर्डर, दिस ऑर्डर सॉरी ऑर्डर 6 रूल 1 सेज. नाउ कम टू ऑर्डर 6 रूल 2. रूल 2 क्या बात करता है, दैट प्लीडिंग्स शुड स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंसेस. जस्ट आपको मटीरियल फैक्ट बताने हैं. ओके, दिस इज योर वर्क, नॉट एविडेंसेज. एविडेंसेज नहीं देने. एविडेंसेज का काम कब होगा, जब ट्रायल स्टार्ट होगा, जब आपसे कोर्ट प्रूफ मांगेगा तब आपको देने. अननेसेसरीली यू नीड नॉट मेंशन एनी एविडेंस. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ विल बी द स्टेटमेंट ऑफ कोज ऑफ एक्शन. आपका क्या कोज ऑफ एक्शन था. फर्स्ट पैराग्राफ इज अ लीगल राइट. सेकंड पैराग्राफ विल बी रिगार्डिंग द वॉयलेशन, क्या कौन से लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है. एंड इफ इट इज द केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने ये बताया था कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको हाउस बेचना था, सो इन द थर्ड पैराग्राफ यू विल राइट दैट ही इज रेडी टू विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट बट अदर पार्टी इज नॉट. सो नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी टेक्निकल प्लीडिंग्स होंगी. फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ द सूट बताया जाएगा, द कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं यहाँ पर, सो सूट इज नॉट बैड बाय द लिमिटेशन, सेम कोज ऑफ एक्शन है,
no other suit has been filed. So these are the four pleadings which will be necessary. आपको pleadings में वो बातें mention करनी है जो हम already एक session में कर चुके हैं. कौन कौन सी? Valuation बतानी है, court की jurisdiction के बारे में बताना है, ये बताना है कि ये limitation इस पर apply होती है कि नहीं, और ये भी बताना है कि this जो suit है ये आपने कभी पहले file नहीं किया है. Since cause of action arose, so एंड सो प्लेस, देर फॉर कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है. सिंस डिफेंडेंट जो है वो इसी ज्यूरिस्डिक्शन में रिजाइड करता है, इसलिए कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है. या कोर्ट हैज़ ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस एंड दिस सूट, तो इस वजह से कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है. लिमिटेशन सूट इज नॉट बैड, आपको लिमिटेशन बताना है कि लिमिटेशन नहीं है. लास्टली, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन आपने कोई और सूट फाइल नहीं किया है, देर फॉर इस पर रेस्ट जुडिकाटा या रेस्ट सब जुडिस भी अप्लाई नहीं होते हैं. सो ये नेसेसरी पॉइंट्स भी आपको मेंशन करने पड़ते हैं अपनी प्लीडिंग्स में, राइट बच्चे? देन यू हैव दीज फोर प्लीडिंग्स होने के बाद विच आर कॉल्ड टेक्निकल प्लीडिंग्स. इनको क्या बोलते हैं? टेक्निकल. ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी ताकि कोर्ट अवेयर हो कि येस इट्स इन आर ज्यूरिसडिक्शन. ओके, एंड देन वन मोर प्लीडिंग विल बी देयर, एंड दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एनेक्स्ड. After that, the prayer clause will be there. आपको एक लास्ट में एक प्रेयर क्लोज देनी पड़ती है कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो, ठीक है? The defendant humbly requests the court, submits to the court, इतना जो भी आप चाहते हैं कि defendant को ये देना चाहिए या ये करना चाहिए. So, court may direct the defendant to pay him two lakh rupees, भी मेरे 2 lakh rupees वापस कर दे defendant. In addition, court may direct the defendant to specifically perform the contract according to its real term. या आप ये चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, तो आप ये चाहो कि कोर्ट आपके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करवाए. सो पैरा 1, 2, 3 आर ट्रू टू माई नॉलेज, आपको ये लिखने पड़ेंगे. पैरा 4, 5, 6, 7, 8 जो भी होंगे आर बिलीव टू बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव. लास्ट में सिग्नेचर होते हैं बच्चे. सिग्नेचर किसके होंगे? लॉयर के. और सिग्नेचर साथ में किसके होंगे? पार्टी के. सो लॉयर एंड पार्टी ये सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं प्लीडिंग्स में, ठीक है? सो आपके जो भी एक मैंने अभी ये टेक्निकल पैराग्राफ्स बताएं क्या है, ज्यूरिसडिक्शन पैराग्राफ देना है आपको, लिमिटेशन पैराग्राफ देना है, वैल्यूएशन पैराग्राफ बताना होगा, कोज ऑफ एक्शन बताना होगा, लीगल राइट पैराग्राफ, फिर वोलेशन क्या हुआ है वो बताना होगा, देन आपको प्रेयर पैराग्राफ देना होगा कि व्हाट डू यू नाउ वांट. देन प्लीडिंग्स हैज़ टू बी वेरी ब्रीफ एंड इन डिफरेंट पैराग्राफ. एवरी पैराग्राफ जो होगा विल हैव टू बी सेपरेट सब्जेक्ट मैटर देना होगा. रिप्लाई हैज़ टू बी फाइल्ड बाई द डिफेंडेंट इन सेम सीक्वेंस. जिस सीक्वेंस में प्लेंट गई है प्लीडिंग, उसी सीक्वेंस में रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट की आएगी पैराग्राफ वाइज. डेट्स, सम्स, नंबर्स ये सब एक्सप्रेस करने पड़ेंगे इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स, रिमेंबर दैट, राइट? नाउ कम टू ऑर्डर 6, रूल 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 6, रूल 6. सो ऑर्डर 6, रूल 6 क्या बात करता है? इट्स अबाउट कंडीशन प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या है? देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, सपोज कीजिए, बिटवीन ए एंड बी, एंड दैट ए विल सेल हिज हाउस टू बी. नाउ कंडीशन वॉज दैट बी विल परचेज द हाउस ओनली इफ ए क्रिएट्स अ स्विमिंग पूल इन दैट हाउस. ठीक है, बी ने कंडीशन दी कि मैं तभी खरीदूंगा जब तुम स्विमिंग पूल इसमें बनाओगे. द कंडीशन प्रेसिडेंट वॉज दैट बी विल परचेज द प्रॉपर्टी ओनली इफ ए हैज़ क्रिएटेड अ स्विमिंग पूल इन दिस हाउस. एग्जाम्पल समझ में आया बच्चे? नाउ अब क्या करते हैं, ए डिडेंट क्रिएट द स्विमिंग पूल, हेयर बी रिफ्यूजेज टू परचेज द हाउस. बिल्कुल वो रिफ्यूज कर देगा क्योंकि उसकी ये कंडीशन थी. देन अब क्या करता है, ए फाइल द सूट फॉर क्लेमिंग डैमेजेस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है वो, that the condition जो precedent थी has not been performed, ये मेरे से नहीं हो पाई, and therefore जो B है say that I have not breached my contract. B अब answer back क्या करेगा कि मैंने कोई breach नहीं किया है, I have not committed any breach. So if you want to say that condition precedent has not been performed, so B must clearly state in his written statement. जो defendant, मतलब यहाँ पर B है ना, क्योंकि फाइल तो ए ने किया था सूट, अब बी क्या कहेगा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई ब्रीच नहीं हुआ है, मैं अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, बट जो कंडीशन मुझे चाहिए थी वो नहीं हुई है. सो बी को वो कंडीशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है?
इफ यू वॉन्ट टू से दैट कंडीशन जो प्रेजिडेंट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड, यू मस्ट क्लियरली स्टेट इन योर रिटन स्टेटमेंट दैट कंडीशन प्रेजिडेंट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड. कैसे? लाइक इफ़ यू नोट राइट कंडीशन प्रेजिडेंट नहीं लिखोगे, देन देयर विल बी अ जनरल प्रिजम्पशन. क्या कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगा कि सारी जो कंडीशन प्रेजिडेंट थी इन द केस हैव बीन परफॉर्म्ड, एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लेम दैट द कंडीशन प्रेजिडेंट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म, देन यू विल हैव टू स्पेशली मैंशन इन योर प्लीडिंग्स. आपको वो मैंशन करनी पड़ेगी. सो कंडीशन प्रेजिडेंट अगर मैंशन नहीं की है तो कोर्ट हमेशा मान के चलती है कि कोई भी कंडीशन प्रेजिडेंट थी वो सब फुलफिल हो चुकी हैं ऑलरेडी. मतलब ये एज्यूम कर लेगी कि ए ने स्विमिंग पूल भी बना दिया होगा. राइट, सो यू हैव टू क्लियरली मैंशन दैम इन योर प्लीडिंग दैट यू हैव नॉट बीन परफॉर्म्ड योर पार्ट, अदरवाइज कोर्ट शैल मूव विद द प्रिजम्पशन दैट कंडीशन प्रेजिडेंट जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है. सो वेन एवर इन अ ट्रांजेक्शन देर इज़ अ कंडीशन थी कोई, आपने जो कंडीशन लगाई हुई हो कि मैं ये काम तभी करूँगा जब ये होगी, मतलब आप कोई कंडीशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द पार्टीज क्लेम्स कि जो कंडीशन प्रेजिडेंट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, देन ही विल हैव टू मेक अ स्पेसिफिक प्लीडिंग इन दैट रिगार्ड. एंड इफ ही डजेंट प्लीड स्पेसिफिकली देन कंडीशन प्रेजिडेंट जो होगी हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगी दैट कंडीशन जो प्रेजिडेंट है वो हैज़ बीन ऑलरेडी फुलफिल्ड. ओके, सो दैट विल बी लॉस ऑन योर पार्ट, आपको वो मैंशन करनी पड़ेगी. सो दीज आर अबाउट रूल 1 to 6. आई होप यू इंजॉयड दिस सेशन बिकॉज हमने बहुत नई चीज़ें सीखी हैं. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन. इन नेक्स्ट वन वी विल कंटिन्यू विद रूल 7 एंड फर्दर. देर आर फ्रॉम 7 to 17 वी विल डू देम इन नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.